नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता वीरसेन बागवानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं आज आपको अपने सदाबहार पौधे के बारे में बताना चाहूँगी। ये मेरे गार्डन के सदाबहार पौधे देखिए, ये दो तरह के हैं। ये जो एक सफ़ेद कलर का होता है, एक पिंक कलर का होता है। मेरे पास ये पिंक कलर का पौधा है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये बारहमासी पौधा भी कहते हैं और ये मराठी में सदाफुली कहते हैं। इसे इंग्लिश में विंका कहते हैं या पेरीविंकल भी कहते हैं। तो बारहमासी पौधा इसलिए कहा जाता है कि ये 12 महीने इसके फूल इसमें लगे रहते हैं। यह आसानी से कहीं भी पाया जाता है, इसे लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसे आप कहीं भी लगाओ, ये सिर्फ उसका मेंटेनेंस सही तरीके से करा जाए तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके फ़ायदे किस तरीके से होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये शुगर लेवल कंट्रोल करता है, साथ में मोटापा भी कम करता है। अगर इंसान के चेहरे पर किल मुहासे हो या झाइयाँ हो गई हो तो इसके पत्तों को आप पीस कर लेप लगाया जाए तो ये तुरंत ठीक हो जाते हैं। और अगर आप ये जैसे ततैया कहते हैं हिंदी में, या उसको जो होता है ततैया, तो वो अगर आपको काट दे तो भोंगा जिसे बोलते हैं, तो अगर वो काट दे ना तो उसके ऊपर ही इसका लेप लगाया जाए तो ये तुरंत तो उसकी जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। ये एक जड़ी बूटी जैसा पौधा है। बिल्कुल ये जड़ी बूटी का पौधा रहने से इसके ये असरकारक होता है। इसका फूल और पत्ते इसके दोनों काम के हैं, दोनों इसके फायदे देते हैं। और अगर इंसान को खाली पेट हमेशा इस पत्तों को 3 पत्ते हमेशा खाना चाहिए और 3 पत्ते हमेशा खाली पेट खाया जाए तो, और उसके बाद नाश्ता लेना चाहिए। ऐसे डॉक्टर लोग भी आज बताते हैं, आप कहीं भी जाओ डॉक्टर लोग का भी यही कहना रहता है कि आप खाली पेट इसका सेवन करें। और ये मोटापा तो कम करता ही है, बाल काले भी करता है, बाल बढ़ाने में भी सहायक है। और अगर इसे इसकी ग्रोथ कैसे करें, इसका रख रखाव कैसे करें, ये अगर आप जानना चाहो तो मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए। अगर इसकी ग्रोथ करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये डंडी जो है, ये डंडी से भी आप इसको 4-5 इंच काट ले। और देखो यहाँ से दूसरी एक ब्रांच फूटी है, ये 4-5 इंच ऐसे काट ले तो इससे भी आप दूसरा पौधा तैयार कर सकते हो। और दूसरा बीजों से होता है, बीजों से देखा जाए तो ये जो कली होती है ना, कली के नीचे ऐसे बीज तैयार होता है। ये तो इस तरह दो तरीके से ये फूल प्लांट तैयार करने का तरीका है, जो कि देखिए मैंने अपने ये गमलों में तैयार करके रखा है। अभी मैंने 4 दिन हुआ था तो मेरा एक पौधा अच्छी तरह से लग गया है और बाकी के अभी लगने के फिर आते हैं। और ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। और ये मैंने देखिए, इसका तीसरा फायदा ये भी है कि ये मैंने ये जो फूल है, मैंने अपने इसमें फूल 4-5 फूल जमा किए, 5-6 फूल लिया है। अगर इसे ये फूलों को आप करेला, टमाटर और खीरा इसके साथ ये पीस कर इसका ये आप ये तैयार कीजिए, जो मैंने देखो इस तरह से तैयार किया है जूस, इसको पीने से भी शुगर की मात्रा कम हो जाती है, शुगर बराबर अपनी बनी रहती है, ये असरकारक है। तो आप ये इसके इस तरह से फ़ायदे हैं। और जो मैंने लगाने की विधि बताई है, इस तरह से अगर आप पेड़ लगाएं तो ये जल्दी लगते हैं। और इसको गोबर खाद में डालती हूँ, उससे खातों में डाल देखा जाए तो इसमें मैं गोबर खाद भी डालती हूँ और इसमें पानी बराबर डालते रहना चाहिए। पानी की मात्रा अगर बनी रहे तो इसमें मिट्टी मॉइस्चराइजर रहती है और इसकी नमी बराबर रहती है, तो झाड़ों को रख रखाव रखने में, हरा भरा रखने में जो कि सहायक होता है, असरकारक होता है। झाड़ नीचे से भी पौधे फूटते हैं और बीज नीचे गिरने से, ऊपर से भी उसकी पिंचिंग करते रहने से उसने भी नए वाले जो रहते हैं, ये आप देखोगे कि इसकी पिंचिंग करने से भी आप जो पिंचिंग कर दो आप इसकी ऐसी, तो उसने से भी नया पौधा निकलता है रूह, और वो झाड़ को और अच्छा बना के, हरा भरा बना के रखता है।
इस तरह से ये झाड़ हम लगाने में बहुत आसानी है। ऐसे कोई भी आप कहीं भी लगा सकते हो, गमले में या जमीन पर, जो आसानी से लग जाता है। और इसकी काफ़ी बाकी भी आजकल हाइब्रिड वाली वेराइटियाँ निकली, लेकिन ये मेरी देसी जो है, तो इसमें ही मैंने काफ़ी इसको रख रखाव में ज़्यादा मेहनत न करते हुए इसे काफ़ी तरह जगह मैंने लगा के रखी है, जो इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ होते जा रही है, जो दिखने भी हमें अच्छी लगती है और इसके फूल भी काफ़ी निकलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।